प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर से शपथ के दौरान मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुनाई देगा। रविवार शाम 7:15 पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, मेरी भारत माता। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब फिर सुनाई देगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 9 जून शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को हुई एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नेता चुना गया। अब शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 9 जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल है उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है। इसी के साथ शपथ ग्रहण के आमंत्रण पत्र की तस्वीर भी सामने आई है। मेहमानों को आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 7 से 8 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। उधर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था की गई है। दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ को लेकर नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास रचने वाले हैं। 6 दशक बाद एक ऐतिहासिक हैट्रिक नरेंद्र मोदी लगाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। देश और दुनिया की नजरें एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर होंगी, क्योंकि राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचे हैं। उनका हर भाषण, हर संबोधन जनता को सीधा जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइनुल, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 9 जून को भारत में एक नया इतिहास बनेगा। देश की आजादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से देश का आर्थिक विकास हो रहा है। एक बार फिर से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देश और दुनिया की उम्मीद भरी निगाहें नरेंद्र मोदी की तरफ। मोदी जी, तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए, एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और ये देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार इतने अच्छे बहुमत के साथ में खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बनाने के लिए दुनिया इसका इंतजार कर रही है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा ऑफर दिया था। यह खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने किया है। केसी त्यागी का दावा है कि विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर विपक्षी गठबंधन की ओर से दिया गया था, हालांकि इस ऑफर को नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। साथ में जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी हैं। सर, 9 तारीख को शपथ ग्रहण है, अब किसी तरीके की असमंजस वाली स्थिति, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि बहुत दिन तक ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। मोदी जी के कल के भाषण के बाद सारी अफवाहों को विराम लगा है। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में एनडीए की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसका जो स्वीकार्यता है, उस पर लंबा उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। और ये हमें अटल अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार एरा की याद दिलाता है, किस तरह से गठबंधन की सरकारें संयुक्त रूप से काम करती हैं। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से जब ये चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बातचीत आप लोगों की, नीतीश जी की किसी तरीके की वहाँ से बातचीत या ऑफर? जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के संयोजक के योग भी नहीं माना, उन लोगों ने अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री होते हुए नई सरकार गठन हो ऐसे प्रपोजल्स भेजे। हम इंडी गठबंधन में अपनी पार्टी की और नेता की भूमिका को लेकर के काफ़ी आसान्वित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और कुछ और दलों के नेताओं ने स्थिति को खराब किया, जिसकी वजह से हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इतिहास गवाह है, नीतीश जी के इंडी छोड़ने के बाद ही उनकी हवा खराब हुई और एनडीए का प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो गया। हम ऐसी किसी अफवाहों को अब विराम देते हैं। अब हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसको मजबूत करेंगे। कल नीतीश जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है। हाँ, ये सच है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट कर। इस बार सबकी नजरें मोदी मंत्री परिषद पर हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार सहयोगी दलों से ज्यादा चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। नौ जून 2024 की शाम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से पीछे है। ऐसे में इस बार एनडीए की सरकार में जेडीयू और टीडीपी का सहयोग है। ऐसे में सहयोगी दलों की नजर मोदी मंत्री परिषद में अहम और बड़े मंत्रालयों पर टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू की नजर 10 मंत्रालयों पर टिकी है। चिराग पासवान की एलजेपी, शिंदे की शिवसेना कम से कम दो दो मंत्री पद बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी, अपना दल जैसे अन्य छोटे दलों को भी मंत्री पद की उम्मीद है। सहयोगी दलों की मांग चाहे जितनी हो, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 में मंत्री परिषद में 12 से 15 मंत्री पद सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। अगर बात 2019 की करें तो बीजेपी को 303 सीट मिली थी। 2019 में मोदी मंत्री परिषद में 72 मंत्री शामिल थे, इसमें सहयोगी दलों को 2 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 में मोदी मंत्री परिषद में 71 मंत्री शामिल किए गए थे, इसमें सहयोगी दलों को 5 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीट मिली थी। हालांकि इस बार समीकरण कुछ अलग है, ऐसे में सहयोगी दलों को ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। इसमें भी टीडीपी और जेडीयू को ज्यादा प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मंत्री परिषद में
किसे कितने पद मिलेंगे ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी हर बार अपने निर्णयों से चौंकाती आई है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के निर्णय पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। भारत माता की। एनडीए सरकार में मंत्री पद को लेकर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता मदन साहनी का बयान सामने आया है। मदन साहनी का कहना है कि 3 से 4 मंत्रालय जेडीयू को मिलने की संभावना है। बिहार की जनता चाहती है कि रेल मंत्रालय जेडीयू को मिले ताकि बिहार का विकास हो सके। पहले भी नीतीश कुमार रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय संभाल चुके हैं। तय करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि जदयू से 3 से 4 तो निश्चित रूप से बनेंगे। कौन कौन लोग मंत्री हो सकते हैं आपके तरफ से? नहीं, तो चर्चा आप लोग सूत्र के हवाले से पहले बता रहे हैं, हमारा बताना उचित नहीं होगा और हमको अभी जानकारी भी नहीं है इसकी। हम लोग सूत्र के हवाले से बता रहे हैं कि ललन सिंह, संजय झा, अति पिछड़ा में रामनाथ ठाकुर, इस तरह के लोगों की नाम की चर्चा है। आपको लगता है इन्हीं में से कोई होगा? जो लोकसभा का सांसद है वही होगा? वो तो जो जीते हैं उन्हीं में से बनना है, लेकिन जो आप संभावित नाम बता रहे हैं उसके अलावे से भी हो सकते हैं, लेकिन ये नाम जो आप बता रहे हैं वो सब हमको लगता है उसी में से कोई होंगे। और जो भी होंगे मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी वो अच्छा ही करेंगे, और सब लोग तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन जो बनेंगे वो अच्छा ही रहेगा। मुख्यमंत्री पहले रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, आपको लगता है जेडीयू के खाते में वो फिर से आनी चाहिए इस बार? नहीं, ये बात का बिहार में भी चर्चा है कि रेल मंत्री बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं बल्कि कई लोग बने हैं, तो इसलिए वहाँ ज्यादा लोगों को इसकी चाहत है और उम्मीद है। और कृषि मंत्री भी रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे विभाग के मंत्री रहे बिहार में, लेकिन हमको लगता है कि रेल विभाग एक अच्छा रहेगा वहाँ बिहार के विकास के लिए, अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। चलिए, मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद ये चर्चा है कि टीम मोदी में इस बार कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। दावेदारों की फौज बड़ी है। प्रबल दावेदारों की अगर बात की जाए तो प्रबल दावेदारों में शुमार हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फगन सिंह कुलस्ते। शिवराज सिंह चौहान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान ही इशारा कर गए थे कि शिवराज सिंह चौहान को हम अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बड़ी जीत हासिल की है, ऐसे में उनकी एंट्री भी तय मानी जा रही है। और इसके अलावा फगन सिंह कुलस्ते को भी पार्टी एक बार फिर मौका दे सकती है। कुलस्ते आदिवासी बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही सबसे अधिक चर्चा एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर भी है। वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में सफलता हासिल कर रही है। विधानसभा चुनाव में उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, अब लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीत ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में वीडी शर्मा की तारीफ कर चुके हैं, ऐसे में अटकल है कि उनका प्रमोशन हो सकता है। साथ ही वीरेंद्र खटीक का नाम भी मंत्री पद की रेस में बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से इस बार 6 महिला भी सांसद चुनी गई हैं। बीजेपी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में मुखर रही है, ऐसे में संभावना है कि मध्य प्रदेश से 1 महिला एमपी को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। 6 महिला सांसदों में से धार से सावित्री ठाकुर, रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, सागर से लता वानखेड़े, भिंड संध्या राय, शहडोल से हिमाद्री सिंह और बालाघाट से भारती पारधी हैं। 5 में से 3 सांसद पहली बार चुनी गई हैं। हिमाद्री सिंह और संध्या राय दूसरी बार एमपी बनी हैं, ऐसे में संभावना है कि मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 1 महिला सांसद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने वाले संभावित चेहरों पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसी एक चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सही से सबसे अधिक वोटों से जीते ब्रजमोहन अग्रवाल और दुर्ग से लगातार दूसरी बार सांसद बने विजय बघेल, संतोष पांडे के नाम की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि दोनों में से किसी एक को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। सुनीता ने स्पेस स्टेशन पर परीक्षण मिशन पर वो गई हैं। मिशन 14 जून तक का है, इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएंगी।
एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नया अंदाज। स्पेस स्टेशन पर झूमी सुनीता। कामयाबी की खुशी सुनीता विलियम्स के चेहरे पर साफ नजर आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से डांस करने लगी। चेहरे पर गजब का उत्साह था। ये वीडियो तब का है जब वो स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन में उनके कई साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्पेस स्टेशन पर डांस करने लगी। इसके बाद उन्होंने दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को गले लगा लिया। उन्होंने भी सुनीता विलियम्स का जोरदार स्वागत किया, जो ये साफ दिखा रहा था कि अपनी मंजिल तक पहुंचने की चुनौती और उसे पार करने की खुशी क्या होती है। सुनीता के स्पेस स्टेशन में पहुंचते ही घंटी बजाई गई। ये एक परंपरा है, जब भी कोई नया अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका वेलकम करते हैं। सुनीता के साथ स्टारलाइनर यान से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे बुच विलमोर का भी स्वागत किया गया। अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रोचक और रोमांच से भरी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां आती हैं। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट की सबसे बड़ी खासियत चुनौती से डील करना ही है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। 58 साल की विलियम्स इस परीक्षण उड़ान की पायलट है तो 61 साल के विलमोर इस मिशन के कमांडर है। सुनीता बुधवार को अपने सहकर्मी बुच विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। 26 घंटे के बाद वो गुरुवार को स्टेशन पहुंची। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान वो अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला थी। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने साल 2006, 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस पर अपने मिशन के दौरान एक महिला के सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी से जुड़ी थी। उन्हें साल 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। वो दो अभियानों का हिस्सा बनी। वो फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में काम कर चुकी हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग एक हफ्ते तक रहेंगे। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर जरूरी प्रशिक्षण में मदद और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। अभियान पूरा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट 14 जून को स्टारलाइनर यान में सवार होकर धरती की तरफ रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।